वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्लेकेट वाली कुर्ती होती है उसकी कटिंग कैसे करनी होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किसकी कटिंग कैसे करनी है, बैक फ्रंट के लिए कैसे हमें डिफरेंट साइज के लिए कैसे लेना होता है। देखिए आर्म होल कटिंग, साथ में जो स्लीव्स है वो भी हम थोड़े डिजाइनर बनाने वाले हैं इसकी कटिंग भी। तो वीडियो हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चलिए सीखते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए वीडियोज और साथ में फोटोज डालती रहती हूँ, तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। इस कुर्ती के लिए हमें चाहिए होगा 2 मीटर फैब्रिक। इस वीडियो में हम इसकी कटिंग करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से, पूरा देखिएगा। और चैनल साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमने कुर्ती को इस तरह से रखा है, जो हमारा अरज होता है यानी कि चौड़ाई की साइड से फोल्ड कर लिया है, ये डबल फोल्ड है। सबसे पहले जो हम निकालेंगे कुर्ती का, जो हमारी बैन वाली कुर्ती होती है उसके लिए हमें जो पार्ट्स हैं अलग अलग निकालने होते हैं। तो ये मैंने जो है फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है, इसको मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड किया हुआ है। तो मैं इसके आपको एक बार मेजरमेंट्स बता देती हूँ, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सारा वीडियो फटाफट करने वाले हैं ताकि लंबा वीडियो ना बने। देखिए सूट की जो लंबाई रहने वाली है 37 इंच है, जो तीरे का रेडी मेजरमेंट है वो है 14 14 इंच। इसमें हमें 1 इंच लूजिंग डालनी होगी क्योंकि दोनों तरफ से 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। मुढ़ा यानी आर्म होल में रखना होगा 7 इंच। और जो चेस्ट है यानी कि छाती का माप 33 है, इसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी। कमर का माप है 27 इंच, ये बिल्कुल रेडी है तो इसमें 2 इंच लूजिंग करूंगी। हिप का मेजरमेंट है 35 इंच, इसमें मैं 3 इंच लूजिंग करूंगी। ये नॉर्मल है जो सूट की फिटिंग, अगर ज्यादा फिटिंग का चाहिए तो हिप में भी आप 2 ही लूजिंग ऐड कीजिएगा। और बाजू की लंबाई हम 15 रखने वाले हैं, और बाजू को आगे से जो मोहरी है वो रेडी करनी है 5 इंच। तो ये था हमारा मेजरमेंट। हमें कुर्ती को 37 इंच रेडी करना है, तो हमें इसको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा यानी कि 40 इंच। 40 इंच पर हम यहाँ देखिए निशान लगा लेते हैं, इनको मिला लेंगे। इसमें 2.5 इंच हमारा नीचे से मोड़ने में जाएगा और 0.5 इंच हमारा ऊपर शोल्डर में चला जाएगा। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब हम शुरू करेंगे निशान लगाना शोल्डर की साइड से। तो शोल्डर जो हमें लेना है वो जो रेडी शोल्डर है उसे 1 इंच ज्यादा यानी कि 14 था तो 15 लेना है, तो 15 का 1/2 यानी कि 7.5 इंच, 7.5 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा लूंगी। आर्म होल में यहाँ रखूंगी 7 इंच। अगर आपको और किसी डिफरेंट साइज के लिए चाहिए कॉलर नेक के लिए आर्म होल कैसे लेना है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, मेरी वीडियोज है उनमें आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, आप किसी भी साइज का वहां से देख सकते हो। तो देखिए यहाँ 7 लिया था मैंने, तो इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको भी मिला लेंगे। अब देखिए जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी यहां से 13.5 13.5 इंच पर मैं यहाँ निशान लगाऊंगी। यहाँ पर हमारा हिप का निशान आएगा, ये निशान डिपेंड करता है हाइट पर, तो हाइट के अकॉर्डिंग ये निशान होता है। देखिए इनको मिला देंगे। इसके लिए हमें मेजरमेंट चाहिए होती है, अगर आपको इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी बता दीजिए। अब मैं निशान लगाऊंगी इसी स्ट्रेट लाइन से 6.5 इंच पर वेस्ट यानी कमर के लिए। ये भी हम जो मेजरमेंट लेते हैं माप लेते हैं उसी टाइम देखते हैं कि हमें कितना लेना है, इसको भी मिला लेंगे। अब हमें जो फिटिंग हमने बताई थी आपको मेजरमेंट में वो फिटिंग हमें लगानी है। तो जो हमारी रेडी चेस्ट का मेजरमेंट था वो था 33 इंच, तो उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे यानी कि 35 इंच। 35 का 1/4 होगा 0.9 इंच यानी कि 8.75 इंचेस पर निशान लगाएंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे कटिंग के लिए, ये कटिंग के लिए है। अब जो वेस्ट का मेजरमेंट था वो था 27 इंच, इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे यानी कि 29,
तो 29 का 1/4 हमारा होगा 7.25 इंच, यानी कि 7.25 इंच पर निशान लगा देंगे। 2 इंच लेंगे सेम वे में हम कटिंग के लिए एक्स्ट्रा, यहां पर भी निशान लगा देंगे। अब हिप का मेजरमेंट था हमारा 35 इंच, हिप में हम 3 इंच लूजिंग डालेंगे यानी कि 38 इंच, तो यहां पर हम लगाएंगे 9.5 यानी कि 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच यहां मेरा एक्स्ट्रा है कटिंग के लिए। अब देखिए जो बाहर हमने 2 इंच पर निशान लगाए हैं एक्स्ट्रा, उनको आपस में मिला देंगे। यकीन मानिए अगर इस तरह से आप कटिंग करते हो तो फिटिंग बिल्कुल अच्छी आएगी, कोई शिकायत नहीं आएगी। जो अंदर वाले मेजरमेंट है, अब मैं एक बढ़िया टिप्स आपको देने वाली हूं जो किसी भी फिटिंग में आप लगाओगे तो एकदम बिल्कुल फिटिंग अच्छी आएगी। तो वो ट्रिक ये है कि जो ये चेस्ट वाले मेजरमेंट है और वेस्ट वाला, यहां आपको 1 इंच स्ट्रेट लाइन लगानी है। देखिए ऐसे, यहां पर भी 1 इंच स्ट्रेट लाइन लगानी है ऐसे, और हिप पर हमें स्ट्रेट लाइन लगानी है ऊपर की तरफ। चेस्ट और कमर में हमने नीचे की तरफ लगाई थी, हिप में हम ऊपर की तरफ लगाएंगे और अब इनको मिला लेंगे। यकीन मानिए अगर ऐसे फिटिंग का निशान लगाएंगे तो आप किसी भी साइज के लिए सिल लीजिए, सभी के लिए बिल्कुल अच्छी फिटिंग आएगी, आपके कस्टमर आपसे खुश हो जाएंगे। अब हम लगा लेते हैं आर्म होल के निशान। तो यहां पर आपके पास आर्म होल कर्व है तो उससे भी लगा सकते हैं। मैं यहां देखिए 1 इंच पर निशान लगाकर यहां हल्का कर्व डाल दूंगी, देखिए ऐसे। अब देखिए ये हमारा कॉलर वाला नेक बनेगा, बैन का नेक बनेगा, तो इसमें हमें डाउन लाना होगा। अगर सिंपल नेक के लिए हमें कोई जरूरत नहीं होती है तो देखिए 2.5 इंच हमें यहाँ छोड़ना होगा नेक के लिए, 2.5 इंच छोड़ देंगे। इसके बाद हम 1/2 इंच देखिए यहां पर, यहां निशान लगाएंगे और इस निशान को इस 2.5 इंच में निशान लगाया था इससे मिला देंगे, देखिए ऐसे। अब देखिए जहां से हमने मार्किंग की है आउटसाइड में, जहां जहां से भी, वहां से हम इसको कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे बैक पार्ट के लिए कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। देखिए यहां से ये ओपन है और दूसरी साइड से क्लोज है। तो बैक पार्ट के लिए हम जो फ्रंट वाला है ये उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। पर ध्यान रखिए जो ऊपर से बैक पार्ट में हमें देखिए यहां से शोल्डर में यहां 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहां 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, साथ में जो साइड में डाउन किया था हमने वहां पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और निशान लगाएंगे। देखिए इस साइड हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहां निशान लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा जाता है उसको कट कर लेंगे। बाकी जो मेजरमेंट है सेम रहेंगी, बस यही हमारा एक चेंज था। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात, जहां पर भी हमारे फिटिंग के मेजरमेंट हैं, हिप का मेजरमेंट था, वेस्ट का था और नीचे जहां से हमने एक्स्ट्रा मोड़ना था वहां पर सभी जगह हमने छोटे कट लगा दिए हैं। इससे क्या होगा, आप सिलाई करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, जो सूट होगा हमारा इधर उधर नहीं खिसकेगा, आपको पता चल जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए दोनों पार्ट हमारे कट चुके हैं। अब हम करेंगे जो नेक्स है उनकी कटिंग। तो देखिए सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट में जो हमने ये 2.5 इंच लिया था और यहां से ये था 1.5 इंच, तो जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उस पर हम ऐसे शेव डाल देंगे और इसको कट कर देंगे। बैक पार्ट को हम अलग कर देते हैं। अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग। फ्रंट पार्ट में ध्यान से देखिए, मैं यहां से लूंगी 3.5 यानी कि 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और ऊपर हमने लिया था 2.5 इंच पर निशान। इसमें हमें देना है राउंड शेप, ऐसे कर्व डालना है, ये देखिए।
अब मैं लगाऊंगी ऊपर से, देखिए शोल्डर से 7 इंच पर मार्क करूंगी और यहां तक हम इसमें कट डालेंगे या फिर शेप डालेंगे। आई शेप डाल रही हूं मैं, तो शेप के लिए देखिए ऊपर से मैं यहां लूंगी लगभग आधा इंच, आधे से 1 पॉइंट ज्यादा ले सकते हैं। निशान लगाएंगे और यहां से ऐसे कट कर लेंगे। इसके साथ ही देखिए नेक कट गया है। अब जो आर्म होता है फ्रंट पार्ट में, आर्म होल की भी हमें थोड़ा और राउंड डालना होता है ताकि जो है सिले ना पड़े हमारे फ्रंट पार्ट में। तो जो हमने निशान लगाया था स्ट्रेट लाइन लगाई थी, यहां से आधा इंच पर हम निशान लगाएंगे देखिए ऐसे, और ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब यहां से हमें गोलाई डालनी, देखिए इस तरह से शुरू करेंगे और जो निशान लगाया था उससे होते हुए हम ऐसे गोलाई कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट्स थे मेरे, मैं इनको ओपन करके दिखाती हूं, फिर हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। यहां से आप नाखून से प्रेस कर सकते हो ताकि जो हम नेक लगाएंगे प्लेकेट लगाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। ये देखिए नेक हमारा कितना सुंदर कट कर रेडी हुआ है, स्टिच करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा ये। तो देखिए ये है मेरा नेक फ्रंट वाला। स्लीव कटिंग के लिए देखिए मैंने टू फोल्ड फैब्रिक लिया है जैसा हमारे था पहले ही, देखिए टू फोल्ड है ये, यहां से ओपन था ये, दूसरी साइड से ये क्लोज है। तो इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, ये 4 फोल्ड हो गया है। अब जो स्लीव हमें रेडी करनी है वो करनी है 15 इंच 15 इंच। तो देखिए 1 इंच में यहां बॉटम से निशान लगाऊंगी मोड़ने के लिए, उसके बाद हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 1 इंच है, इसके बाद हमें जितना रेडी करना है 15 इंच। जो स्लीव है उसको रेडी करना है 15 इंच। तो 1 इंच मैं लूंगी यहां बॉटम से नीचे से मोड़ने के लिए, उसके बाद मैं लगाऊंगी 15 इंच पर निशान यहां से, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने ऊपर शोल्डर में जो सिलाई में चला जाएगा हमारा। अब जब देखिए जो ब्रेस्ट का रेडी मेजरमेंट था हमने जो इसमें लगाया था वो तो 35 इंच, तो इसका हमें 12वां हिस्सा लेना होता है, यानी कि 1/12 पार्ट हमें लेना होता है। वो हमारा करीबन होगा 3 इंच से 1 पॉइंट कम, तो यहां निशान लगा देंगे। ऊपर से देखिए हमें लगाना है 1.5 इंच पर निशान, आप इस निशान को नीचे वाले से मिला देंगे। अगर आप सिंपल स्लीव रख रहे हो तो इसको कट कर लीजिए और मोहरी का निशान लगा के इसको मिला लेंगे और इसको कट कर लेंगे। लेकिन जब मैं स्लीव रख रही हूँ या मैं वो रख रही हूँ इलास्टिक डालने वाली, मैं यहाँ बीच में इलास्टिक डालूंगी, ये स्लीव आजकल ट्रेंड में है, तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ 8 इंच पर निशान लगाऊंगी, 3.5 इंच पर मैं यहां निशान लगाऊंगी, मुझे यहां पर जो है इलास्टिक डालनी है। अब जो मेरी मोहरी थी वो 5 इंच थी, तो 5 इंच में मेरी इलास्टिक डल जाएगी और मैं यहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 2 से 2.5 इंच यानी कि 7.5 इंच तक ले लूंगी ऐसे। अभी तीनों निशानों को मिला देंगे। तो ये कटिंग है हमारी उस स्लीव्स की जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है। अगर आप सिंपल रखते यहां से हल्की राउंड शेप देंगे, हल्की सी राउंड शेप बस इतना सा, अगर आप सिंपल रखते तो सीधे यहां मोहरी के निशान लगाते और जो ऊपर निशान लगा था इससे मिला देते। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इलास्टिक डालेंगे तो यहां एक छोटा सा नोच लगा देते हैं। अब हमें इनको ओपन कर लेना है और जो फ्रंट पार्ट में हमारी स्लीव आती हैं उनके लिए हमें राउंड शेप डालना होता है ताकि हमें सिले ना पड़े। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करेंगे, जहां हमने बीच में निशान लगा देखिए इसका ऐसे फोल्ड करके बीचों बीच निशान लगा लेंगे, चाहे कट लगा लेंगे हल्का सा, और इससे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे निशान लगा लेंगे और जो ऊपर कट लगाया था उससे मिला देंगे और नीचे वाले पोर्शन से मिला देंगे। और ये हो गई है हमारी छटाई या फिर फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग।
देखिए ये स्लीव कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो कटिंग वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बैन और प्लेकेट है वो हम जो सूट होता है उसकी हमारी जब सिलाई हो जाती है शोल्डर से उसके बाद मेजरमेंट लेके करते हैं। तो इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा। और इस स्लीव में हम देखिए इस तरह की इलास्टिक यूज करने वाले हैं, हाफ इंच वाली। हम इसको ऐसे करके डालेंगे, बहुत आसान है बनाना और दिखने में सुंदर लगती है। इस तरह से हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, कोई डाउट आता उसको कमेंट कीजिएगा। चैनल से नए हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे आपके लिए आइडियाज लाती हूँ। सभी तरह की जो ड्रेसेस होती है उसकी कटिंग स्टिचिंग लेकर आ रही हूँ, आप चैनल को चेक कीजिए। बहुत अच्छा से हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्लासेस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।